1904 में 22 वर्ष के युवा सैमुअल ने अमेरिका में अपने परिवार से भारत भ्रमण की इच्छा जाहिर की तो उनके पेरेंट्स को लगा कि वे कुछ दिनों में घूम फिर कर वापस आ जाएंगे। उन्हें कहां पता था कि भारत यात्रा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगी, सैमुअल के जीवन की भी और हिमाचल की पहाड़ी इकोनॉमी की भी। हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा चांडक और आज आपको सुना रही हूं एक ऐसे इंसान की कहानी जो जन्म से भारतीय नहीं था, पर कर्म से धीरे धीरे उसने अपने आप को संपूर्ण भारतीयता में घोल दिया। सत्यानंद स्टोक्स उर्फ सैमुअल इवांस स्टोक्स जूनियर एक ऐसे इकलौते अमेरिकन जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जेल भी गए और कांग्रेस द्वारा जारी सन 1921 के मैनिफेस्टो में हस्ताक्षर भी किए। महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में तन, मन और धन तीनों के साथ आजादी के मतवालों के साथ वे निकल पड़े थे। अमेरिका के एक प्रसिद्ध व्यापारिक घराने में पैदा होने वाले सैमुअल को व्यापार से अरुचि थी। सफल उद्योगपति पिता ने उन्हें व्यापार में इन्वॉल्व करने की कई नाकाम कोशिशें की, पर सेवा और सादगी के रुझान के चलते वे व्यापार में रम ही नहीं पाए। बाद में वे भारत आए और सदा सदा के लिए यहीं के होकर रह गए। शायद यहां आना उनके लिए अत्यंत सुखद रहा, क्योंकि जो लोग उन्हें अमेरिका में व्यापार न करने की वजह से हीन दृष्टि से देखते थे, वे उनकी दृष्टि से ही दूर हो गए। वैसे वे विशाल संपत्ति के वारिस थे और चाहते तो अमेरिका में ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर सकते थे, पर उन्होंने कुछ और ही चुना। शिमला में कुष्ठ रोगियों की सेवा की शुरुआत की और उनके लिए ही अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया। अंततः पिता ने भी अपने बेटे की भावनात्मक जरूरत को समझा, स्वीकार किया और उन्हें सहयोग करना शुरू कर दिया। सैमुअल ने वहीं शिमला में ही एग्नेस बेंजामिन से विवाह भी कर लिया, जो बाद में प्रिया देवी हो गई। धीरे धीरे सैमुअल ने शिमला के इर्द गिर्द पिता के सहयोग से जमीन खरीदी। स्थानीय लोग उन्हें उनके सेवा कार्यों की वजह से बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उन्हें धीरे धीरे महसूस हुआ कि लोग सम्मान तो बहुत करते हैं, पर उन्हें अपना नहीं मानते। इसलिए उन्होंने अपना पहनावा, बोली, जीवन सब कुछ बदल डाला और अपने जीवन का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य रखा, लोगों के लिए जीना। हम भी उन्हें उनके सेवा कार्यों की वजह से ही तो जानते हैं और साथ में जानते हैं उनके द्वारा घड़ी गई एक ऐसी अनूठी आर्थिक क्रांति को जिसने स्थानीय लोगों की जिंदगी बदल दी। क्या थी वो क्रांति, जानने के पहले अनुरोध निवेदन कि मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और कहानी अगर आपको पसंद आ रही हो तो एक लाइक भी दे दीजिए। लौटते हैं कहानी पर। तो हुआ यूं कि 1916 में उन्हें लुसियाना में उत्पादित एप्पल की एक ऐसी प्रजाति का पता लगा जिसे शिमला की आबोहवा रास आ सकती थी। खेतीबाड़ी तो वो पहले से कर ही रहे थे, उन्होंने सेब का उत्पादन भी शुरू कर दिया। ये एक्सपेरिमेंट बहुत सफल रहा। भारत के दूर दराज शहरों में जिसके बहुत अच्छे दाम मिलने लगे, निर्यात होने लगा और जिस व्यापार से वे शुरू से ही भागते रहे उसी व्यापार ने उन्हें फिर से अपनी गिरफ्त में ले लिया। धन बढ़ने लगा जिससे उन्होंने और जमीनें खरीदी और अपना काम बढ़ाने लगे। वैसे वो बात अलग है कि अंततः उन्होंने जितना भी धन अर्जित किया सेवा कार्यों में खर्च कर दिया। धीरे धीरे स्थानीय लोगों को इसके बारे में पता चला तो सैमुअल ने उन्हें अपना कौशल्य, ज्ञान और अनुभव सब कुछ निःशुल्क दे दिया और उनके विकास के भी कारक बने। अगली बार आप शिमला या हिमाचली एप्पल खाएं तो सैमुअल स्टोक्स को याद करना मत भूलिएगा, जिन्होंने अपनी शिक्षा और अपने पश्चिम से कनेक्शंस का सदुपयोग करते हुए स्थानीय लोगों के विकास को आकार दे दिया। पर सब कुछ परिकथाओं जैसे हमेशा सुखद नहीं रहता। पुत्र की असामयिक मृत्यु ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। उससे उबरने के लिए उन्होंने
सनातन धर्म की शरण ली और हिंदू होकर सत्यानंद के नाम से जाने गए। अंत में आत्मा की अमरता और शरीर की क्षणभंगुरता ने उन्हें पुत्र वियोग से बाहर निकलने में मदद की। आजीवन स्थानीय लोगों के विकास को प्रतिबद्ध सत्यानंद जी ने शिमला में एक स्कूल की भी स्थापना की। उन्होंने जीसस क्राइस्ट और उनके क्रूसिफिकेशन की ऐतिहासिकता पर सवाल करती हुई एक किताब भी लिखी, जिसे पहले भारत में और फिर इंग्लैंड में छापा गया। खादी पहनने वाले और संस्कृत जानने वाले इस अमेरिकन ने 1946 में हिमाचल क्षेत्र को एक नई दिशा देकर इस दुनिया से विदा ली, पर हमारे इतिहास में सदा सदा के लिए अपनी कभी न मिटने वाली जगह बना ली।